नो बेटा, आज मॉम से बहुत देर दूर रहा। नो बेटा, तुम अभी तक कहानी की किताबें पढ़ रहे हो, तुम पढ़ाई कब करोगे? मैं बस पढ़ने बैठ ही रहा था मॉम। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है ये सब करने की नोबिता, बताओ। नोबिता, तुम इन कुशन से अपने कान बंद कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये किताब नहीं पढ़ने दूंगी, समझे? अरे मॉम, लास्ट पेज बचा है, प्लीज पढ़ने दीजिए ना। इन किताबों को पढ़ने की जगह तुम अपने कोर्स की किताबें क्यों नहीं पढ़ते हो? इसे छोड़ दो नोबिता। अरे मॉम, वैसे मॉम आप मुझे कुछ ज्यादा नहीं डांटती, बच्चों को इतना नहीं डांटना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डांटती हूँ तो तुम गलत हो, तुम चले जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता, जा रहा हूँ मैं अपने कमरे में। मुझे बदलों का डर है, बहुत मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं जी भर के खाऊंगा, खेलूंगा, जो मन करे वो करूंगा। पर मैंने तुम्हें कब रोका? मॉम मुझे हमेशा डांटती है, लेकिन आज तो हद ही हो गई, उन्होंने मुझे मेरी फेवरेट कॉमिक नहीं पढ़ने दी। तो ठीक है मॉम, आप नहीं चाहती मैं घर में कॉमिक पढ़ूं, तो मैं वादा करता हूँ मैं कॉमिक बाहर जाकर पढ़ूंगा। अलविदा मेरे दोस्त, जैसे ही मेरी कॉमिक खत्म हो जाएगी मैं घर वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। इनको देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह ये जल्द ही घर वापस आ जाएगा। मैं उसका इंतजार करूंगा, तब तक मैं कोई कॉमिक पढ़ लेता। तुम इतनी जल्दी वापस लौट आए, क्या हुआ? मैं वापस नहीं लौटा हूँ, मुझे तो तुमसे बस एक बात करनी थी। बोलो क्या बात है? दरअसल बात यह है कि आज रात को मुझे एक टीवी शो देखना है, और हाँ मुझे डिनर भी करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए घर आ जाऊँ। अरे ये क्या बात हुई नोबिता, इतने छोटे से काम के लिए आए हो? पहले मैं बोल लूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा पूछो। क्या कोई ऐसा गैजेट है जिससे मॉम को मेरी चिंता हो जाए, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर गया हूँ? तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, पर सुन लो, मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है। शायद एक है। क्या कहा? मुझे दिखाओ। The Giant Lengthening Ray of Light। ये क्या है? इसे कहते हैं Giant Lengthening Ray of Light। ये किसी भी इंसिडेंट के समय को बहुत आसानी से बढ़ा सकती है। जब ये रे ऑफ लाइट तुम्हें छुएगी तो 10 मिनट 60 मिनट के बराबर लगेंगे। अगर हम मॉम पर इसकी रे डालेंगे और तुम 10 मिनट के लिए बाहर जाओगे तो मॉम को लगेगा तुम 1 घंटे के लिए गए हो, और 1 घंटे के लिए जाओगे तो 6 घंटे लगेंगे। बढ़िया है। नोबिता की पढ़ाई का खर्चा, घर का राशन, ओह मुझे समझ नहीं आता ये सब जोड़ के हुआ इतना, पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं एक बार फिर से जोड़ लेती हूँ, नोबिता की पढ़ाई का खर्चा, घर का राशन। डोरेमोन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। चिंता मत करो, ये जरूर काम करेगा। चलो अब गैजेट का काम देखते हैं। उम्मीद है तुम्हें मेरा गैजेट अच्छा लगेगा। दिल खुश कर दिया डोरेमोन। अरे वाह, आज का मौसम कितना सुहाना है, बहुत मजा आ रहा है। पर मैं कॉमिक कहाँ पढूं? हे नोबिता, कहाँ जा रहे हो? कितनी खूबसूरत जगह है। इसीलिए मैंने सोचा तो तुम घर नहीं जाओगे?
सकते हैं। अरे वाह नोबिता, तुम्हारे फैसले से तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे, ऐसा करने का मेरा मन भी बहुत करता है, लेकिन तुम ही हो जो ये कर पाए। सिर्फ तुम। नहीं पता था सब इतना अच्छा हो जाएगा। पता नहीं क्यों हमें ये कॉमिक्स पढ़ने से रोका जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। चलो मेरे साथ। देखो हमें इसकी हर तरह से मदद करनी है, तुम समझ रहे हो ना, इसी को दोस्ती कहते हैं। क्या सोच रहे हो तुम, इसकी मदद करने के लिए तैयार हो ना? अच्छा ठीक है, मैं भी मदद करूँगा। चलो अंदर। नोबिता तुम कुछ देर के लिए मेरे रूम में रह सकते हो, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है, लेकिन मॉम से बच के रहना, वो तुम्हें देख ना ले। ठीक है, देखा जाए तो जियान इतना भी बुरा नहीं है। पता नहीं मॉम इस वक्त क्या कर रही होंगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ। दरवाजे से नहीं, खिड़की से देखता हूँ। क्या कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मॉम को मेरी चिंता ही नहीं हो रही। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। तुम्हें गए हुए अभी सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे, यानी मॉम को लगेगा 2 घंटे हो गए। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा देखने के लिए। पर एक सेकेंड, तुम मुझे कोई गैजेट दे सकते हो ताकि मुझे देखने के लिए यहाँ बार बार ना आना पड़े। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नोबिता। 40 मिनट हो गए हैं, यानी मॉम के लिए 4 घंटे। पता नहीं कैसी होंगी। हाँ मॉम को मेरी चिंता हो रही है। सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हें पता है नोबिता कहाँ रह गया? मुझे नहीं पता, उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया है। पता नहीं मैं इस लड़की का क्या करूंगी। थोड़ी और चिंता करने दो, बाद में जाऊंगा। अब तो 50 मिनट हो गए। अब देखता हूँ क्या हो रहा है। सच में उसे घर आने दो, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगा। ये तो बुरा हुआ, वो गुस्सा हो रही है। वापस जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। नोबिता हिम्मत रखो, वापस जाने पर ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 घंटा हो गया, देखता हूँ क्या हो रहा है। मॉम तो कहीं जा रही है। सुनो बेटा, नोबिता को कहीं देखा है? नोबिता को नहीं तो? मैंने भी नहीं देखा। अच्छा। ये तो बहुत ही अजीब बात है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं नोबिता को कोई चोट तो नहीं लग गई? आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी वापस आ जाएगा। ये डोरेमोन भी ना, इसको ये बोलना जरूरी था? तुम ये सब कैसे जानते हो डोरेमोन? मुझे लगता है इसके पीछे भी तुम ही जिम्मेदार हो। मैं तो जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुझे बता दो डोरेमोन। अच्छा हुआ डोरेमोन को डांट पड़ी। और डांटो और डांटो। अजी सुनते हैं, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। क्या कहा, नोबिता बहुत देर से घर पर नहीं है? तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैंने उसे पिछले कई घंटों से देखा ही नहीं है। ये तो तुम्हारी गलती है, तुम उसको हमेशा डांटती रहती हो। अब छोड़ो उसे। इन्हें तो उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही। 1.5 घंटा हो गया, लेकिन मॉम के लिए तो 9 घंटे के बराबर होगा। ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं हो गया? क्या आपका बेटा कई घंटों से घर नहीं आया? जी हाँ, उसे गायब हुए कुछ 2 घंटे हो गए हैं। सिर्फ 2 घंटे तो बहुत कम है, हो सकता है अपने दोस्त के घर चला गया हो। ये नोबिता मुझे कितना परेशान करता है। एक बार नोबिता घर आ जाए, इस बार तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो हमेशा याद रखेगा। अब तो मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। क्यों, तुम यहाँ से जाना चाहते हो, वो भी हमें बिना बताए? हाँ, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। दोस्तों चलो अब इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना?
ये देखो क्या कमाल के नूडल्स हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हैं। अब नोबिता को घर वापस आ जाना चाहिए, मॉम उसकी बहुत चिंता कर रही हैं। प्लीज नोबिता को घर जाने दो, मॉम परेशान है। क्या कहा डोरेमोन, वो बहुत परेशान है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे पता है मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। डरो मत। मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा नोबिता को डांटती रहती हूँ, हमेशा उसे पढ़ाई करने के लिए कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। कुछ मेहमान आ रहे हैं तो मैं जल्दी खाना बना रही हूँ। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो नोबिता, ऐसे खाओगे तो एक दिन जानवर बन जाओगे। क्या, मैंने तो ऐसी बात कहीं नहीं सुनी। मैं इस लड़के का आखिर करूँ तो क्या करूँ। बहुत अच्छा है। अरे मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। नोबिता जरा रुकना, एक काम है। क्या काम? क्या तुम बाजार से मेहमानों के लिए कुछ ले आओगे उनके खाने के लिए? क्या, और मैं तो जुजुका के साथ खेलने जा रहा था। ये लो पैसे और भूलना नहीं। हाँ डोरेमोन, मॉम ने कहा है कि बाजार से। थोड़ी देर पहले तो यहीं था, कहाँ चला गया? ये तो बिस्किट्स है। टेस्टी। बस काम हो गया। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे ऐसा मत कहिए, ये लीजिए अंकल बिस्किट्स खाइए। बिस्किट्स? अरे ये तुम क्या लेकर आ गए हो नोबिता, ये तो बच्चे खाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे बिस्किट्स पसंद है। अब तुम जाओ जाकर कुछ केक्स लेकर आओ। शिजुका इंतजार कर रही होगी। इनमें से कौन सा वाला लूं? क्या चाहिए? अंकल ये वाला केक चाहिए। म्याऊ म्याऊ। अरे मुझे ऐसा लगा मैंने एक अजीब सी आवाज निकाली है, शायद ही मेरी सोच है। ये रहे तुम्हारे बाकी पैसे। अंकल बीना। अरे वो क्या है, वो जानवर तो दो पैर पे चल रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। रुक जाओ, मेरे पास आओ। क्या तुम एक एलियन हो? मैं तुम्हें पकड़ कर रहूँगा, रुक जाओ। एलियन कहाँ है वो? वहीं खड़े रहो, भागने की कोशिश मत करना। क्या कर रहे हो? वो बहुत तेज है जियान, हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। जियान सुनियो, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? Hey, रुक जाओ, मैं तुम्हें अपना पेट बना लूंगा। हमारे साथ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हो, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें पकड़ जाऊंगा, समझना तो। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। हुँ। हुँ।
पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं वो भूल तो नहीं गया होगा। शिजुका हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है। मुझे माफ करना शिजुका। डोरेमोन, तेरी मदद करो ना, ये पता नहीं क्या हो गया है। ये तो नोबिता था। डोरेमोन देखो ना। जब तुम्हें पता था तो तुमने बिस्किट्स बाहर क्यों रखे? गलती तुम्हारी है, किसने कहा था बिना पूछे बिस्किट्स खाने के लिए? अब मुझ पर चिल्लाने की या इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे मॉम का काम पूरा करना है। कौन सा काम? जल्दी घर चलो। मैं घर आ गया, केक्स ले आया। ओ नोबिता, तुम्हारा शुक्रिया। अभी जाओ और बाहर जाकर खेलो। पता नहीं उसमें से कौन सा बिस्किट खाया होगा। क्या हम बिस्किट का असर होने से नहीं रोक सकते? नहीं, हम नहीं रोक सकते। क्या मुसीबत है। लगता है बिस्किट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। अरे गर्ल सुनिए ना। क्या? हमें आपसे बात करनी है। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मॉम, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। ये रहा बाथरूम। शुक्रिया। जाइए जाइए, आराम से जाइए। हमें अंकल को थोड़ी देर अंदर ही रखना होगा। नोबिता, तुम हमारे मेहमान को कहाँ लेकर गए हो, बताओ? वो बाथरूम गए हैं। वो अंकल ने कहा, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। खैर छोड़ो, मुझे बताओ वो केक्स कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। वहाँ पर रखे हैं मॉम, देखिए। क्या मैं अब बाहर आ सकता हूँ? मुझे लगता है अब तक असर खत्म हो गया होगा। हाँ। अंकल जी आ जाइए। अब सब कुछ ठीक है, आप बाहर आ सकते हैं। आप चाहे तो हमें शुक्रिया कह सकते हैं। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। माफ कीजिएगा, उन दोनों ने आपको बहुत परेशान कर दिया ना? अरे नहीं नहीं, आपके बच्चे तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। इस चाय के लिए आपका शुक्रिया। पक, 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 पक। अरे ये क्या, फिर से कोई बिस्किट खा लिया? अंकल सुनिए, आपसे कुछ बात करनी है। बस अब बहुत हो गया। घर के आसपास दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। पकड़, मुझे गुस्सा।
अंकल ठीक हो गए। मैं नोबिता के बर्ताव के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। पता नहीं वो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है आज। अरे नहीं नहीं, मैंने बुरा बिल्कुल भी नहीं माना। हाँ? आप थोड़ी चाय और लेना पसंद करेंगे क्या? ओ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सब बहुत हो गया। मुझे सच सच बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है। मॉम वो बात ऐसी है कि मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने हैं, समझे? जरा सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बताइए। बहुत देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। हम इन्हें जाने नहीं दे सकते, अभी एक और बिस्किट का असर होना बाकी है। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ, आपको यहाँ आने पर बहुत तकलीफ। अरे कोई बात नहीं। अब अंकल क्या बनने वाले हैं? मुझे क्या पता। क्या तुम दोनों को जरा भी अंदाजा है कि आज मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा? मॉम हम अभी आते हैं। मॉम हमें बहुत डांटने वाली है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। पापा तुम दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? वो पापा बात समझ गया मैं, तुमने फिर से कोई शरारत की होगी जिसकी वजह से मॉम तुमसे नाराज हैं। चलो आओ। मैं घर आ गया। बाप रे। पापा आप ठीक तो हैं? अरे ये आपको क्या हुआ है बताइए मुझे।